एक अकेला सब पे भारी। अबे रावण का घमंड भी तोड़ दिया था ऊपर वाले ने, तू अकेला भारी कैसे हो गया? वो 300 चाचा जी साथ है और बेहद गुस्से में थे। समझेंगे कि गुस्सा क्यों आखिरकार। चाचा गुस्सा का है, प्रधानमंत्री के भाषण की चर्चाएं चल रही है, तारीफें हो रही है, जगह सदन के अंदर तालियां बज रही हैं। सदन में तालियां बज रही हैं, प्रधानमंत्री जी अपने लिए तालियां बजवा रहे हैं, लेकिन बड़े शर्म की बात है जो अल्फाज उन्होंने बोला है ना, बहुत कायरतापूर्ण सवाल है वो जो उन्होंने बोला है। क्या बोला है? एक अकेला सब पे भारी। अबे रावण का घमंड भी तोड़ दिया था ऊपर वाले ने, तू अकेला भारी कैसे हो गया? वो 300 MP 350 वो कहाँ जाएंगे भाई? टोटल झूठ बोलते हैं। घमंड में बोला था। हाँ, अहंकार। विपक्ष पीछे पड़ गया, उनसे सवाल पूछ रहा है बार बार। विपक्ष नहीं चाहता देश आगे बढ़े। तो सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा मैडम, सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। 90 मिनट बोले तो पीएम मोदी, तो काहे पे बोले? तो देखो अडानी अंबानी पे एक भी सवाल किया उन्होंने? एक भी सवाल किया? नहीं किया। उन्होंने खाली अहंकार घमंड दिखाया। और हमें ये दिख रहा है जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये बोला है ना, हमें दिख रहा है 2024 में नजर नहीं आएंगे, गारंटी नजर नहीं आएगी मैडम। कह रहे जीत कर आ रहे, 400 दिन बाकी हैं, जीतेंगे बीजेपी। मैडम ये दोबारा नहीं आएंगे, देश की जनता नफरत कर रही है, इनके झूठ से थक चुकी है। हर बोल में झूठ बोलते हैं, हर बोल में झूठ बोलते हैं। मोदी जी झूठ बोल, क्यों लग रहा है चाचा की झूठ बोल रहे हो? तो कह रहे सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास। मैडम इन्होंने आने से पहले वादे किए थे 4, इन्होंने आने से पहले वादे किए थे 4, मैं साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा। 8 साल इनको हो गए हैं तो 16 करोड़ नौकरी तो इन्होंने दे दी होगी। इन्होंने दूसरा वादा किया था 15 लाख रुपए हर अकाउंट में आएंगे, काला धन आएगा। मैडम काला धन इससे तिगना इनके जरिए निकल गया है देश से बाहर, और किसी के अकाउंट में 15 रुपए नहीं आए हैं। केवल 2% लोगों की सरकार है, 2% लोगों का भला हो रहा है इनके यहाँ। कौन 2% लोग? अडानी अंबानी, उनके जैसे और भी हैं 2-4 इनके पास। अडानी अंबानी के लिए काम हो रहा है? हाँ उन्हीं के लिए काम हो रहा है। देश की सेवा करने आया हूँ, सेवादार हूँ मैं। ये तो चौकीदार कहते थे, चौकीदार चोर निकला, देश को लूट के बैठ गया है। आज हमारा देश, ये जितने आजाद आदमी घूम रहे हैं ना, ये हम आजाद नहीं है, हर आदमी 2.5-3 लाख रुपए का कर्जदार है मैडम। आज पूरी दुनिया से इतना कर्जा उठा चुके हैं डकैत। आय दुगनी हो गई अब तो? अरे मैडम कहाँ हो गई है आय दुगनी, मजदूरी मिल नहीं रही है। और तो और मैं मजदूरी करता हूँ, प्राइवेट पानी चलाता हूँ, हमारी तनख्वाह मिलने के लिए एलजी को फाइल साइन करनी है। एलजी कौन है? मोदी जी का भाई, अडानी अंबानी का भाई। फाइल ही साइन नहीं कर रहा है मेरे जैसे जैसे कई हजार मजदूर उसकी फाइलों के लिए मजदूरी से बैठे हैं, भूखे मर रहे हैं उनके बच्चे, और उसको शर्म नहीं आती। बस झूठ पे झूठ बोले चला जा रहा है, झूठ पे झूठ। क्या कह रहा था जी? ये कह रहा था कि राम मंदिर मैंने बनाया। मैडम मैं देश के हिंदू भाइयों से बता देना चाहता हूँ, समझ लो मेरी बात को, अपने बाप को बाप कहो, दूसरे के बाप को बाप मत कहो। मैंने तो भीड़ देखी, खड़ा हो गया। मैं सिंगू बॉर्डर पे क्यों गया था? किसानों के साथ मजदूरों के साथ जुलम हो रहा था, सारा माल अडानी अंबानी को जिया जा रहा था कानून के जरिए। 1 साल मैंने सिंगू बॉर्डर से मैडम हटाने में, हर चैनल ने मेरे को दिखाया, आधी दुनिया और पूरा भारत जानता है तनवीर भारती हूँ मैं। मैं आम आदमी पार्टी का आदमी नहीं हूँ। बात यह है सच और झूठ की, हर जगह झूठ बोल रहे हैं। तो अब तो गरीबों के अच्छे दिन आ गए, बीजेपी क्या रही है? अरे मैडम सड़कों पे निकल के देखो, अभी मैं जामा मस्जिद एरिया से निकल के आ रहा था, दरियागंज वाले रोड से, मैंने देखा 50 गरीब लाठी चला रहे हैं आपस में। मैडम मैंने सच्चाई जब उतर के देखा वहाँ क्या थी, रोटी के लिए लड़ रहे थे, रोटी के लिए लड़ रहे थे, डूब के मर जाओ यार। कह रहे हो अच्छे दिन आ गए, अरे इतने बुरे दिन जीवन में कभी नहीं देखे थे, जितने बुरे दिन अब देखने पड़ रहे हैं हमें। 2023 में अच्छे दिन का सपना दिखाया था। वाह रे वाह मोदी जी, जवाब नहीं तुम्हारा, झूठे बहुत देखे संसार में, तुम सा झूठा नहीं देखा। हर जगह झूठ बोलते हो, पार्लियामेंट में भी झूठ बोलते हो, सड़क पे भी झूठ बोलते हो। अबे वो राहुल गांधी एक यात्रा लेके क्या निकल गया? अबे तुमने एक टी शर्ट की ऐसी चर्चा कर ली, अबे गरीब की रोटी की चर्चा करिए कभी? क्या हिंदुस्तान में गरीब कैसे कैसी जिंदगी काट रहा है, है?
खाली 80 करोड़ इनका करावा नहीं है मैडम, ये पिछली सरकार का करावा है 80 करोड़ को जो ना बीजेपी राज में कोई भूखा नहीं मरेगा, 80 करोड़ लोगों को अब राशन मिल रहा है। मैडम ये पिछली सरकार का करा हुआ है, इनका नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। पहले तो घोटाले हुए थे, मोदी जी ने कहा अभी। अरे मैडम ये झूठ बोल के आए हैं, ये झूठ बोल रहे हैं टोटल। क्या लग रहा है सच क्या है? पीएम मोदी भाषण देते हैं, बीजेपी दावा करती है कि हमसे बेहतर सरकार कोई नहीं है। नहीं मैडम ये टोटल झूठ बोल रहे हैं, टोटल झूठ बोल रहे हैं ये लोग। इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया, देश को इन्होंने बर्बादी में धकेल दिया, नफरत इतनी फैला रहे हैं। बीजेपी नफरत फैला रहे? हाँ नफरत फैला रहे हैं। सबका साथ सबका विकास पीएम मोदी कहते हैं। मैडम ये तो सबका सम्मान भी कहते थे, कहाँ है वो अल्फाज भी गायब होता जा रहा है। तो आपको नहीं लग रहा कि सबको साथ लेकर चल रही है बीजेपी? नहीं चल रही है मैडम, केवल 2% लोगों को साथ लेकर चल रही है, अडानी अंबानी जैसों को।